ये इस बीच का मेन एंट्रेंस है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यह गोवा का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला बीच है जहां पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और गोवा के हर सीजन में बरसात से लेके गर्मी तक और ठंडी में भी यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और अगर बात की जाए मौसम की तो यहां पर साल भर में लगभग 6 महीने बारिश होती है और 6 महीने गर्मी रहती है। नॉर्थ इंडिया के मुकाबले यहां पर मौसम चेंज है, यहां पर ठंडी नहीं पड़ती है। तो आज मैं आपको गोवा का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला बीच जिसे कलंगुट बीच कहा जाता है वो दिखाने का प्रयास करूंगा, उसकी सुंदरता दिखाऊंगा और ये भी बताऊँगा कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। मींस आप सोच रहे होंगे कि कलंगुट बीच पर कैसे जाएं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसकी दूरी भी बताऊंगा और यहां पर आने का सबसे अच्छा रास्ता भी बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सुंदरता आपको दिख रही है, कितनी अच्छी अच्छी कैनोपी, जैसा लगता है कि किसी की शादी हो रही हो ऐसा यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। यहाँ की तो ये डे लाइफ है, नाइट लाइफ को आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ब्यूटीफुल क्लिप्स देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे खचाखच भरा हुआ है ये बीच, और इन बेड्स में अगर आप बैठना चाहते हो तो ऑफ कोर्स बैठ सकते हैं, लेकिन फ्री में नहीं बैठना है, आपको कुछ ऑर्डर करना है। अगर फ्री में बैठना चाहते हैं तो आपको 200 रुपीज पर आवर्स देना पड़ेगा। तो ये जो रिवीज जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बीच पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लगती है और यहाँ पर कैसे आए। तो भीड़ लगने का कारण ये है कि यह पंजिम सिटी जो कि गोवा की राजधानी है उससे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह आज से नहीं प्राचीन काल से यहाँ पर ऐसी ही भीड़ लगती है। तो यहाँ पर आने का तरीका यही है कि आप गोवा की पंजिम सिटी पर आएँ और पंजिम सिटी से बाइक या स्कूटर रेंट पे लेके यहाँ पर आ जाएं, या फिर पंजिम सिटी से डायरेक्ट बस भी यहाँ के लिए चलती है, तो आप बस के द्वारा मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कलंगुट बीच कैसे जाएं। अब कलंगुट बीच की दूरी क्या है, मैंने बता दिया 15 किलोमीटर दूरी है, और यह गोवा का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला बीच है, और यहाँ पर इंडियन के साथ साथ विदेशी टूरिस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और इन बेड्स को देख सकते हैं कितना कलरफुल और अच्छे से डिजाइन किया गया है, और यहाँ पर दिन भर ऐसी भीड़ लगी रहती है और रात में इसकी सुंदरता जो है 4 गुना बढ़ जाती है। तो मैं इसका नाइट का वीडियो बाद में दिखाऊँगा, लेकिन मैं पहले डे लाइफ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल आप बैठ के ऑफकोर्स अपनी बियर कोल्ड ड्रिंक्स जो भी आपको मन करे वो आप यहां पर कर सकते हैं। अगर वाटर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो यहां पर हर तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, और उनकी प्राइस भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आपका वो वाटर स्पोर्ट्स का सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक एक एक्टिविटी को हर तरह से एक्सप्लेन करूँगा और दिखाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, अदरवाइज प्राइस तो आपने देख ही लिया है। तो यह था गोवा का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला बीच जिसे कलंगुट बीच कहा जाता है। और अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरी न्यू वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।